हेलो। हाँ कौन? हाँ जी, मेरी राहुल से बात हो रही है। हाँ जी बोलिए। मैं ना मनदीप की दोस्त बोल रही हूँ। वो मेरी है ना पेमेंट अटकी हुई है, अगर आप कहो तो मैं आपके अकाउंट में डाल दूँ। रुकिए रुकिए मैडम, मैं एक बार मनदीप से बात कर लेता हूँ, फिर आप मनी ट्रांसफर कर देना। अरे नहीं नहीं वो है ना अभी बिजी है, उसने मुझे ये बोला था कि मेरा एक फ्रेंड है राहुल, तो आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो है ना मना नहीं करेगा। ठीक है मैडम, आप फिर कर दीजिए। आपके फोन में ना एक मैसेज आया होगा, तो उसमें एक लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए और उस पर एक OTP आएगा, आप वो मुझे बता दीजिए। OTP? लेकिन मैडम UPI में तो पेमेंट डायरेक्ट होती है ना। वो क्या है ना राहुल, हमारे ऑफिस का ना सिस्टम अलग है, और वैसे भी पेमेंट है ना मैं किसी को डायरेक्ट नहीं कर सकती, उसके लिए ना आपको OTP बताना पड़ेगा, वरना मैं आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं भेज सकती। अच्छा मैडम। अब है ना आप लिंक ओपन कीजिए और उसमें ना 4 डिजिट का है ना OTP आया होगा, वो आप मुझे बता दीजिए। लीजिए OTP 5522। ओके राहुल, पेमेंट आपके अकाउंट में आ चुकी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। रुकिए मैडम, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अरे अरे मेरे पैसे कट गए भाई, मेरे पैसे कट गए यार, ये क्या हो गया? मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये कट गए। चलो मनदीप के पास जाता हूँ, वही कुछ करेगा। भाई मनदीप आ जाना, मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया, तेरा नाम लेके किसी लड़की ने मेरे 50,000 रुपये काट लिए, और वो लड़की है ना तेरे ऑफिस में काम करती है। अच्छा, मेरे ऑफिस में काम करती है, क्या नाम बताया उसका? निधि। ओ भाई, मेरे ऑफिस में कोई निधि नाम की लड़की काम नहीं करती, फ्रॉड हो गया तेरे साथ है। भाई यार मेरे पैसे ला दे कैसे भी करके यार। चल नंबर दे उसका, मैं ट्रैक करता हूँ। भाई ये नंबर है उसका। अरे चल लोकेशन मिल गई मुझको उसकी, चल। आपके फोन पे ना एक लिंक आया होगा, तो आप OTP बता दीजिए मुझे। जी तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और किसकी परमिशन से तुम अंदर आए हो मेरे ऑफिस में? निकलो यहाँ से बाहर अभी। चिल्ला मत, तुझे मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, और इसे जानती है कौन है ये? अबे ओए, ना मैं तुझे जानती हूँ और ना मैं इसे जानती हूँ, निकलो दोनों यहाँ से बाहर अभी। अच्छा नहीं जानती, आज तूने जो इसके अकाउंट से 50,000 रुपए उड़ाए थे फिर भी नहीं जानती, और तू बड़ी लॉटरी बांटती फिर रही है लोगों को लिंक दे के और उनका OTP लेके। हाँ तो हमारा काम है बेवकूफ बनाना, और इन जैसे लोग है ना बेवकूफ बन जाते हैं। अब तेरी सारी लॉटरी निकल जाएगी थाने जाके, आके वक्त नहीं है, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, पुलिस आने वाले कुछ देर में। सॉरी सर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और मैं अभी इन भैया के पैसे भी सारे ट्रांसफर कर दूंगी। चलो तो ठीक है, आगे से गलती मत करना, और इस भैया के पैसे भी वापस कर दो। चलो तो।